अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त बख़ैर वाफियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत को भी आज जो है ना पुलिस की जानिब से घसीट कर जो है ना जेल ले जाया गया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि बाबा जी खादिम सर रिजवी साहब ने फरमाया था कि ये जो है ना अल्लाह पाक से दुआ की थी कि इनको कल्ला कल्ला करके जलील करना। बिल्कुल इसी तरह ये लोग जलील हो रहे हैं। पहले इमरान नियाजी और अब उनके रहनुमा भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक होकर ना जलील हो रहे हैं। लेकिन लीडर हो तो ऐसा साद हुसैन रिजवी जैसा, कि इतना जुल्म होने के बावजूद भी जो गलत है उसको वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। और अलामा साद हुसैन रिजवी साहब की जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया है, वो इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इस हवाले से वो पीटीआई और इमरान खान के हवाले से क्या कह रहे हैं, उनका मौक़िफ़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मौजूदा सियासी निज़ाम में क्या समझते हैं कि तरीके इंसाफ के साथ ठीक हो रहा है जो मौजूदा सिचुएशन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने आपने कहा है? हम हर सियासी वर्कर की हिफाजत, उसकी अखलाकी और जनाब मुआशरती जो उसकी हकूक़ है उसकी पामाली को गलत समझते हैं।